दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार राय और आप लोग देख रहे हैं बाबा फ्लेक्स प्रिंट सर्विस। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल बाबा फ्लेक्स प्रिंट सर्विस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं क्रोल रोल की एक टिप, जो कि जो फ्लेक्स प्रिंट करते हैं उनके लिए समझिए बहुत बड़ा, यानी कह सकते हैं कि इंच को फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और किसी भी फाइल, जो भी आप सीडीआर फाइल बनाए हुए हैं क्रोल रोल को, उसको आप लोग यानी प्रिंट में कैसे भेजेंगे, टिप फाइल कन्वर्ट करके आप लोग कैसे भेजेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे भेजेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये फाइल है अभी 6 इंची बाय 3 इंची का फाइल है, यानी 6 इंची बाय 3 इंची का ये फाइल। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ 6 इंची बाय 3 इंची है, यानी इसको फीट में कैसे कन्वर्ट करें और इसको हम फ्लेक्स मशीन पर प्रिंट करवाने के लिए टिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट की है, यहाँ आप देख रहे होंगे, तो कंट्रोल प्लस ही, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग आ गया कि अब आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ करना है, तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिए और टुडे फाइल में, क्योंकि हम अपना जितना फ्लेक्स प्रिंट करते हैं, टिप फाइल बनाते हैं, तो पर डे यानी कि सेम डे में कितना कितना मेरा एक्सपोर्ट हो रहा उसको एक फोल्डर में रखते हैं। तो उस फोल्डर में इस फाइल का नाम दे देंगे CSC आधार सेंटर बैनर, यानी आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं ये, यानी मान लीजिए हमारा आधार UCL के लिए बैनर बन रहा है तो उसी का हम CSC आधार सेंटर UCL बैनर। और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फाइल है कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टिप बिट में, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्टेड ओनली रहने देंगे कि आप वही फाइल, मान लीजिए उसके बगल में भी कोई फाइल है तो वो नहीं होना चाहिए, सेलेक्टेड ओनली। और यहाँ आप लोग देख लीजिए जो कि लिखा हुआ है कंप्रेशन टाइप, तो यहाँ पहले रहेगा अनकंप्रेशन, तो आप लोग LZW कंप्रेशन में हर वक्त रखेंगे, इससे होता है क्या, फाइल थोड़ा सा छोटा बनता है। तो यहाँ इसके बाद जाएंगे एक्सपोर्ट में। अब देखिए जैसे ही आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो अभी यहाँ इस टाइप की आपको दिख रहा होगा, तो आप देख रहे हैं वहां 6 बाय, यहाँ देख रहे हैं आपका 6 इंच बाय 3 इंच का है और इसको अब आपको बनाना है, क्योंकि ये बैनर तो 6 फीट बाय 3 फीट का है, तो यहाँ 6, अब 6 इंची को अब हमको फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए हम आप लोग को कैलकुलेटर खोल के दिखाते हैं। कैलकुलेटर में जाते हैं और यहाँ जैसे आप लोग देखेंगे कि आपको 6, और हम सभी आदमी जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंची है, तो 6 × 12 करेंगे तो कितना हो गया 72। चलिए अब इसको हटाते हैं, तो यहाँ हम देंगे 72। जैसे ही यहाँ 72 देंगे तो नीचे जो 3 इंची था वो ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, वो 36 इंची है, यानी 12 × 36 इंची। तो आप लोग ने देख लिया कि कैसे, यानी देखिए यहाँ अगर हम 6 देंगे तो 3 आ जाएगा, जैसे ही 72 दे देंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जाके यहाँ हम ओके कर देंगे। तो यह जो फ्लेक्स का आपको डिजाइन बनाया है वह फीट में भी कन्वर्ट हो गया और वह टिप फाइल में भी कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम आपको उसका ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वह फाइल जो हमने कन्वर्ट किया है वो सचमुच में 6 फीट बाय 3 फीट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कहाँ, यहाँ इसको हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं और इस पर हम ओके कर लेते हैं। इस पर हम राइट बटन क्लिक करके इमेज साइज में जाएंगे, सेंटीमीटर है, इसको इंची कर देंगे। यहाँ देखिए यानी 72 इंची बाय 36 इंच, यानी ये एक्चुअल में ये टिप फाइल कन्वर्ट हो गया और 6 फीट बाय 3 फीट में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। आप सभी आदमी से गुजारिश, हमारे चैनल बाबा फ्लेक्स प्रिंट सर्विस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।